नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। हमारा चैनल TBS स्टडी सर्किल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर इंसान की सफल होने की अनेक संभावनाएं उसमें विद्यमान है, फिर भी कुछ ही मनुष्य जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। जो सफल नहीं हो पाते वो अपने अधिकार से वंचित रह गए। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा कि जो सफल नहीं हो पाए, अपने क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंच पाए, चरम पर नहीं पहुंच पाए, वो अपने स्वभाव से वंचित हो गए। उनका मनुष्य जन्म निरर्थक हुआ। मनुष्य का जन्म उन्हीं का सार्थक होता जो सफलता के परचम किसी भी क्षेत्र में लहरा सके। क्षेत्र अनेक हैं, हमारी सफलता की संभावना में हर पानी में अवस्थित है। और जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, इतिहास में उन्हीं का नाम है, उन्हीं को आदर्श पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्हीं की पूजा भी करते हैं, उन्हीं के आचरण को पद चलने का प्रयत्न करते हैं। हम अपना अधिकांश समय तो भाग्य भरोसे ही डाल देते, भाग्य पर विश्वास करते। मनुष्य वह प्राणी है जो भाग के लिखे को भी मिट सकता है। वो ही सार्थक मनुष्य है, वही एक आदर्श मनुष्य है जो भाग के लिखे को मिट सके। वही उद्यमी पुरुष है, वही योद्धा है। हजारों लाख इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने भाग के लिखे को मिटा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, सिर्फ इतना बताना आज मुझे। हम अपनी दिनचर्या नियमित करें। शाम को 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 4 बजे उठे ब्रह्म मुहूर्त में। उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। कोई अव्यक्त सकता है जो दुनिया के हर प्राणी को जड़ चेतन तक को निर्देशित करती रहती है। एक एहसास रहता है मुझसे भिन्न भी कोई सत्ता है, हर प्राणी में एहसास रहता है। हम जानते नहीं, इसलिए नकार देते। जो नकारता नहीं उसे मास्तिक कहते, लेकिन आस्तिक भी ठीक से नहीं जानता। और जो नकार देता उसे भी नास्तिक कहते, लेकिन नास्तिक के अंदर भी एक प्रेरणा है, वो एक आवाज आती रहती है हमेशा। क्योंकि परमात्मा या आत्मा एक ऐसी गोदबूली में बसती है जहाँ ना ही तो जीत के प्रसन्न होने की आवाज आती और ना ही हार के रोने की आवाज सुनाई देती। इसलिए तटस्थ होकर जीवन जीना है। शाम को जल्दी उठी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। उठ के 2 मिनट आप पहले भगवान का ध्यान करो या अपने आप का ध्यान करो। फ्रेश होइए, कोल्ला मंजन कीजिए। कोल्ला मंजन करने के बाद आप डेली एक्सरसाइज व्यायाम की योगा। अगर समय कम है, जैसे विद्यार्थी जीवन में योगा करने का इतना समय नहीं, तो कम से कम कुछ ही योगा कर लो, जैसे कपालभाती, भ्रामरी, अनुलोम। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट रोज ध्यान करो। सब चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे कोई और सा कोई व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षार्थी क्यों हो, कोई भी हो, सभी मनुष्य को ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान क्या है? ध्यान ही तो अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कराता है, तभी तो जीवन के सत्य को जान पाते हैं। नहीं तो बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। उस भटकाव से हटने के लिए, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कैसे करें? ध्यान करें आंख बंद कर लें। और सबसे सरल ध्यान, ऐसे 12 प्रकार के ध्यान हैं, उनमें सबसे सरल ध्यान को बताता हूँ। जो तिहाड़ जेल में IAS IPS किरण बेदी ने 1000 कैदियों करवाया था, उस ध्यान का नाम है विपस्ना ध्यान योग, जैसे महात्मा बुद्ध किया करते थे। आंख बंद करके आप अपनी नाभि से देखोगे, श्वास जा रही है हृदय तक, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। तो एक फिजिकली रूप से सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही होगा, अगर आप 20 मिनट ध्यान करोगे तो आप देखोगे 2 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई। आपके दिमाग में एक अनंत, एक विषम, एक विशेष ऊर्जा आ गई। इससे बुद्धि की कुशलता बढ़ती है, बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, IQ बढ़ जाता है। इससे
हमारा मन कंसंट्रेट हो जाता है, मन में एकाग्रता बढ़ जाती है, चंचलता कम होती है। और जब रोज ध्यान करोगे तब आपको कुछ लगेगा कि वो हर प्राणी के हर मनुष्य में कुछ विशेष बातें हैं, हम 1% भी अपनी संभावना का यूज नहीं कर पाते। तंत्र विज्ञान ये कहता है, उसे कुंडली के नाम से जानते हैं, जो असंभव काम को भी संभव करा सके। 8 चक्रों के समूह को हम कुंडली कहते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक 8 चक्र हैं। जब आप रोज ध्यान करोगे तो एक तो आप कम सोओगे, उसी में विद्यार्थियों को तो फायदा रहेगा कि जो कम सोएंगे, 3 घंटे की 4 घंटे की नींद में 20 घंटे का ध्यान कर लोगे, जो 2-3 घंटे की नींद आपने कम ली पूर्ति हो जाएगी और ऊर्जा पहले से और ज़्यादा रहेगी, आपके दिमाग की तीव्रता ही बढ़ जाएगी। तो आप उन चीज़ों को ठीक से याद करोगे और मन भी कहीं भागेगा नहीं, कंसंट्रेट हो जाएगा, ध्यान मग्न हो जाएगा। जब एक चीज़ पर ध्यान लगा दो तो वो चीज़ हट जाती है। आइंस्टीन खड़े होकर पढ़ता था यूँ करके, क्योंकि उसका माइंड कंसंट्रेट था, उसका दिमाग कंसंट्रेट था। और जो इससे ऊपर जाने वाले विद्यार्थी जीवन से ऊपर वाले मनुष्य हैं, उन्हें जीवन के उस सत्य का सब अनुभव होगा जिसका उन्होंने किया नहीं। भाग्य मत न गुरु बनाइए। जो व्यक्तित्व के पीछे दौड़ने लगते हैं, जिनका व्यक्तित्व बहने वाला है, वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, उन्हें कोई मंजिल प्राप्त नहीं होती। अगर आपको वर्चस्व की मंजिल प्राप्त करनी है तो आप भागिए मत, अपने आप को बचानिए और रोज इस नियमित दिनचर्या कीजिए। दूसरा, जो कार्य आप कर रहे हो उसे पूजा की मत करें। अगर आपके पास समय नहीं है, जैसे विद्यार्थी है वो पढ़ाई करते, आज घर में शादी है तो उस किताब को आप अपने माथे से लगा लो, हाजिरी तो आपकी कम से कम पूरी हो गई। तो उस कार्य को डेली कीजिए। बीमार हो, पढ़ने का समय नहीं है, आंख में कोई परेशानी है तो आप माथे पर लगा सकते हो। अगर समय है, कम समय है, एक ही सवाल देख लो, एक ही लाइन देख लो, डेली आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कुछ ही समय में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, धैर्य रखिए, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। मंजिल प्राप्त होने के लिए है, यदि आप में धैर्य है तो आप निश्चयपूर्वक सफलता पर पहुँचोगे, सफलता को प्राप्त करोगे। धन्यवाद।